मैं गिरीश कुमार हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता और शोधकर्ता हूँ। मैं चिरमिरी में लगभग 40 सालों से रह रहा हूँ और चिरमिरी का इतिहास ये है कि चिरमिरी में माइनिंग जो है 1932 से शुरू हुआ और कोयला का खनन तब से चल रहा है और यहाँ पर खुली खदान और अंडरग्राउंड खदान दोनों तरह की खदानें यहाँ पर चल रही हैं। जब कोयला खदान यहाँ पर शुरू हुआ तो पहले तो प्राइवेट में माइन शुरू हुई और 1973 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस समय फिर यहाँ की आबादी काफ़ी बढ़ गई और करीब 14,000 के आसपास संगठित क्षेत्र में लोग काम करने के लिए आए। इस तरह से अगर सारे उनके परिवारों को जोड़ा जाए और अन्य लोग को जोड़ा जाए तो लगभग यहाँ की आबादी 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास होती थी और उन दिनों लोगों को पानी की जो शुद्ध पेयजल की जो व्यवस्था हो पाता था वो यहाँ पर झरने हैं, तुर्रा है जिसको यहाँ पर लोग तुर्रा बोलते हैं या स्प्रिंग है, उससे उनकी पूर्ति होती थी और उस स्प्रिंग पे लोगों की ज़्यादा निर्भरता था। और जैसे जैसे माइनिंग का स्तर बढ़ता गया, माइनिंग बढ़ते गए, वैसे वैसे स्प्रिंग ख़त्म होते गए। उस समय लगभग 300 स्प्रिंग हुआ करता था और आज अगर देखा जाए हम लोगों ने जो अध्ययन किया है उसमें 30 स्प्रिंग के आसपास ही शेष बच पाए हैं और एक अनुमान लगाया जाए कि जो 50 साल 60 साल से जो माइनिंग चल रहा है तो इस तरह से देखा जाए तो करीब 20 स्प्रिंग जो है वो हर 10 साल में ख़त्म होते जा रहे हैं। जगह खड़ा हूँ चिरमिरी का बरतुंगा एरिया, इस जगह पे पीने का पानी शुद्ध जो कि तुर्रा के रूप में था और यहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते थे और मैं अक्सर यहाँ पे दो महीने में आया जाया करता था और घर के लिए भी ले जाता था, अपने आसपास वालों के लिए भी ले जाता था। कारण ये था कि ये पानी में शुद्धता और मिठास काफ़ी अच्छा था। यहाँ मैं 2 महीना पहले आया था, पानी काफ़ी था। आवाज़ मैं आके यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि आज वो सूख चुका है। कारण ये है कि पहले माइनिंग का एरिया नहीं था, अब ये माइनिंग के अंतर्गत में आ गया है और वो ब्लास्ट के कारण ये जो शुद्ध पेयजल था वो आज मृत के स्तर पे आ गया है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें शासन और प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही। यहाँ जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के जो पानी है, यहाँ के लोगों को जो चिरमिरी में लोग रहते हैं उनको करीब अभी भी उनकी निर्भरता स्प्रिंग के पानी पे, करीब 70-80% लोग अभी भी निर्भर हैं, उसको ही पीना लोग पसंद करते हैं। और इस पानी को उपलब्ध कराने का जो काम है, यहाँ के जो बेरोजगार हैं या जिनके पास कोई रोज़गार नहीं मिल पाया है और उनके पास कोई स्किल्ड नहीं है, उनके पास कोई पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं है, तो उनको ये रोज़गार भी देता है। आज मैं 10-15 साल से कांवर में पानी ढो रहा हूँ। मैं इससे पहले लोगों को पहले शुरू शुरू में 2 डब्बा का मांग हुआ, फिर आदमी का पानी का इतना मतलब स्वाद मतलब मैं पीने लगे कि आज मैं कम से कम नहीं तो 100-150 डब्बा का मतलब बिजनेस कर रहा हूँ। इसमें पानी का इतना समस्या है, आज तक इसको बनाया नहीं गया। कहा जाए कि गांव भूपति कर दो और मेरा गांव ये चिरमिरी से एकदम लगा हुआ है, जो कि चिरमिरी से एकदम 25% में हमारे गांव बसा हुआ है और बाकी ये कहा जाए कि ये पहाड़ और ये कॉलोनी लगा हुआ। तो पहले यहाँ पे इतना रहा जंगल कि पूरे गांव मैंने इस मोहल्ले से उस मोहल्ले नहीं जा पाते, मैंने जंगल रहा और यहाँ शेर बाघ भालू चीता जितने पहु पंछी जंगल के जितने जानवर हैं सब कुछ मैंने यहाँ देखने को मिलता रहा। और आज की डेट में है कि जंगल ना रहने कारण यहाँ
ना तो जंगल जैसे उजड़ा वैसे पानी का भी स्रोत खत्म होते जा रहा है, और दूसरी बात जो पानी है उसको क्या कहते हैं कि कालरी लगा हुआ है, कालरी से अब बताइए कि जितने ब्लास्टिंग होते रहता है पूरे क्या कहते हैं कि ये तहस नहस हो गए, जितने पानी के स्रोत है स्रोत सब खत्म हो गए हैं, पहाड़ तरफ से पानी आना एकदम बंद हो गया है, जो गाँव में थोड़ा मोड़ा जो कि चल रहा है उसी से अपने गाँव का निस्तार हम लोग चला रहे हैं, और वो भी पानी चिरमिरी से जितने पानी यहाँ बहाव दे रहा है नाली का पानी, उस पानी से हमारे मवेशियों को इतने नुकसान हो रहा है कि हर साल मैंने घर में मैंने बीमार पड़ते हैं, हर मैंने समय बीमारी से खत्म होते जा रहे हैं, जो कि हमारे दादाजी रहे उस समय 50-60 मूर रहे, अब आज के डेट में ऐसा होगा कि 5 ठो मिलने देखने को मिल रहा है, जो कि आज 30-35 साल ज्यादा से ज्यादा बीता होगा, इतने में सब मने लुप्त होते जा रहे हैं, पौ पंछी जितने रहे वो भी सब खत्म हो गए, जंगले नहीं है तो वो भी नहीं रह गए, जितने रहे जंगल जानवर, जंगल ना रहने से जानवर भी हट गए, और पेड़ पौधा ना रहने से बताते हैं कि भाई पानी का स्रोत भी खत्म होते जाता है, उससे भी खत्म हो जा रहा है, दूसरी बात पानी भी थोड़ा मोड़ा पहाड़ तरफ से आता रहा, वो कालरी तरफ से भले ब्लास्टिंग अंडरग्राउंड भी चल रहा है, बताइए ओपन कास्ट भी चल रहा है, तो पानी तो दिनों दिन मैंने पानी का स्रोत खत्म होते जा रहा है, ऐसा हो रहा है कि पानी पीने के लिए कभी कभी नहीं मिल पाता है, इस प्रकार से है। पानी का बहुत दिक्कत है, दादा का सप्ताह में 2 दिन पानी आता है, जिसके चलते वो 1 से 10 नंबर ब्लॉक या ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर ब्लॉक तक ही यूज कर पाते हैं, और सूरा का पानी जो है हमारा यहाँ के जो पानी भरने वाले हैं सभी को बांटते हैं पानी, और हम लोग भी पानी भरने आते हैं, ये पानी क्या है कि जो कॉलरी से जो पानी सप्लाई हो रहा है वो पानी दूषित है, ये पानी मीठा है, और इससे हम लोग का जो खाना पीना जो हम लोग बनाते हैं जल्दी पकता है, हम लोग दवा नहीं देते हैं, मैक्सिमम जो है वाटर देने के लोग अगर बोला जाए तो टाइफाइड का पेशेंट ज्यादा आते हैं, वेरी रिसेंटली के केस में तो कॉमन बाकी जगह में होते हैं उतना ज्यादा नहीं, बाकी नगर निगम से जो सप्लाई चल रहा है साफ तौर का तो उसकी वजह से टाइफाइड के केस आ रहे हैं। चिरमिरी में 300 स्प्रिंग हुआ करते थे, हलदेव नदी को उस समय 25% पानी इन्हीं स्प्रिंग के माध्यम से मिलता था, आज की स्थिति में चिरमिरी में 25 से 30 स्प्रिंग शेष बचे हैं, पर इन पर भी गंभीर संकट है, चिरमिरी मणिनगर शहर के बीच हलदेव में जो पानी की उपलब्धता है वह सिर्फ यहाँ की आबादी को ही पूरा कर सकता है, फिर हलदेव में शेष आगे बहने के लिए शेष पानी न के बराबर है, ऐसी स्थिति में हलदेव पर स्थित सारे उद्योगों के लिए एक बड़ी गंभीर संकट की स्थिति बन गई है। तुर्रों के बाद आज हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है कि हम लोग अपने 8 टैंकरों के माध्यम से शहर में पानी भरते हैं, जगह जगह हमने इस पानी के किल्लत से निपटने के लिए 195 पानी टंकियों का निर्माण किया है, और नगर निगम क्षेत्र में हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, पानी जो टंकी हमने बनाया है स्टैंड पोस्ट में हफ्ते में 2 बार हम लोग भरते हैं, प्रतिदिन लाख चाहने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, 40 वार्डों में लगभग 129 वर्ग किलोमीटर का हमारा ये नगर निगम का क्षेत्र है, हम हैंडपंप के माध्यम से टैंकरों के माध्यम से पाइपलाइनों के माध्यम से भरपूर प्रयास कर रहे हैं, वाटर एटीएम भी हम लोगों ने इस शहर में लगाया है, 10 अभी वाटर एटीएम और लगेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि दूर दूर बसाहट वाला हमारा ये क्षेत्र है बिना प्राकृतिक जल स्रोत के हम इनकी आवश्यकता को पूरा कर पाए ऐसा बहुत मुश्किल है, आने वाले वर्षों में एक नए बड़े संकट की ओर हम गुजर रहे हैं और हमें बहुत आशंका है कि क्या होगा, निश्चित रूप से जल आवर्धन की एक स्कीम हमारे पास है, राज्य सरकार की एक बड़ा स्कीम है, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 100% घरों में उस स्कीम के बाद भी हम पानी नहीं दे पाएंगे, आज भी हमारे यहाँ प्राकृतिक तुर्रों पे हम निर्भर हैं, और आने वाले दिनों में अगर इन तुर्रों का भी ह्रास होता है तो हम लोग एक गंभीर पेयजल संकट की ओर जा रहे हैं, और इस दिशा में हम सबको सरकारी तंत्र को निजी तंत्र को आम जनता को समझना होगा, हम सबके संकलित प्रयास से एक अच्छे समाज में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को हम दे पाएंगे।